बिहार में मनोज झा की संसद में सुनाई कविता पर हंगामा मचा हुआ है। ठाकुर का कुआं कविता पर ठाकुर और ब्राह्मण आमने सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, इसीलिए करीब हफ्ते भर बाद विवाद को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जातियों के मकड़ जाल में उलझे बिहार में बीजेपी या आरजेडी, किसको सियासी नफा होगा, किसको नुकसान होगा। बिहार की राजनीति और जाति समीकरण में चोली दामन का साथ रहा है। गोटी सटीक बैठ गई तो सूबे की सत्ता पर शीश मिलना तय है, और राजनीतिक दलों का समीकरण गड़बड़ाया तो विपक्ष में बैठना। विधानसभा में विपक्ष की बेंच से ट्रेजरी बेंच का सफर इन्हीं उलझे हुए जाति समीकरणों से होकर गुजरता है। जिसने साध लिया वही सिकंदर। लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय शेष बचा हुआ है और बिहार में जाति पर बवाल शुरू हो गया है। राजपूत और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। दरअसल सूबे के सत्ताधारी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान एक कविता सुनाई थी, जिसका नाम था ठाकुर का कुआं। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा 21 सितंबर को हुई थी। बिल उसी दिन पास भी हो गया, लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही मनोज झा के भाषण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मनोज झा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने मनोज झा पर कविता के जरिए पूरे ठाकुर समाज को विलीन के आरोप में पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठाकुर सभी को साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। मनोज झा का बयान आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिशों के लिए झटका है। चेतन आनंद ने इस मुद्दे को लालू यादव के सामने उठाने की बात कही तो वहीं उनके पिता आनंद मोहन ने भी मनोज झा पर हमला बोल दिया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।